हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक्स 30 चैनल पर। आज हम एक और मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं, जो कि दो दोस्त और नाग और नागिन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल गाँव घूमने के लिए आए थे। वह प्रकृति सौंदर्य का मजा ले रहे थे। थोड़ी दूर पास में ही एक नाग और नागिन का जोड़ा काफी समय से वहां पर रहते थे और वे आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन एक बार नागिन के ना होने से रवि और विशाल दोनों ही इस नाग को देखकर उसको छेड़ने लगे और छेड़ते छेड़ते उन्होंने नाग पर वॉर कर दिया और नाग वहीं पर मर गया। इसके बाद नागिन वहां पर आई और वह बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि नाग की ऐसी दशा देखकर वह बहुत ही घबरा गई थी। अब नागिन उन दोनों हत्यारों से अपना बदला लेना चाहती थी, तो वह पास में ही जंगल में नाग के पास जाती है, जो कि वहां पर एक बड़ा नाग होता है, और वह उसे शक्ति प्रदान कर देता है कि वह रूप बदल सकती है। लेकिन वह फिर भी उन दोनों से बदला नहीं ले पाती है, क्योंकि विशाल और रवि दोनों ही साथ में ही रहते थे और जहाँ कहीं भी घूमने भी जाना होता था तो वह साथ में ही घूमने जाते थे। इस वजह से नागिन ने एक तरकीब लगाई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उन दोनों को प्यार में फंसाया और फिर एक दूसरे से अलग कर दिया। अब रवि अकेला रहता था और विशाल भी अकेला रहता था। इसका फायदा उठाकर नागिन रवि को अकेले मिलने के लिए बुलाती है और रवि वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। इच्छाधारी नागिन ने रवि को शादी के लिए प्रपोज करती है और रवि भी उसके लिए मान जाता है। लेकिन नागिन रवि से कहती है कि एक बार तुमने जंगल में एक नाग की हत्या कर दी थी, मैं उसी की पत्नी हूं और मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। कुछ टाइम के लिए रवि तो डर जाता है, लेकिन वह फिर अपने असली रूप में आ जाती है और रवि घबरा के नीचे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वह नागिन उसको डस लेती है और बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपना एक बदला पूरा कर लिया था। फिर वह विशाल को झील पर अकेले मिलने के लिए बुलाती है। विशाल भी पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। फिर वह विशाल से कहती है कि तुम्हें याद है तुमने एक बार जंगल में एक नाग की हत्या की थी और मैं उसी की पत्नी हूँ और मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कुछ टाइम के लिए विशाल घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी बात का एहसास होता है कि मैंने बेवजह ही उस नाग की हत्या कर दी थी। फिर वह देखते ही देखते नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। विशाल बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी वह नागिन उसको दस लेती है और विशाल वहीं पर मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो हमारे आसपास जीव रहते हैं उनकी हमें कभी भी उन पर अटैक नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से उनको हमें आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो हैं ये हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाते हैं और हमारे पर्यावरण को सुंदर भी रखते हैं। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।